मेरी एक माँ है, उसके भी एक माँ है, उसके भी एक माँ है और हम सब की एक माँ है जिसको हम धरती माँ कहते हैं। उस मातृभूमि को बचाने के लिए इस सभा में जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग पधारे हैं, जो भी युवा पीढ़ी पधारी है, जो भी माताएं बहनें पधारी हैं, मैं सभी का करबद्ध हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी श्री सीमेंट संघर्ष समिति में इस कार्य योजना को स्टार्ट करने के लिए जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, वो मेहनत आज के समय में इतनी भीड़ के साथ में इकट्ठा है और आने वाले समय में हम इससे भी बड़ी गैदरिंग करके इस प्रशासन को ये बता देंगे कि भैया यहाँ पर वही होगा जो जनता होगी। यहाँ पे जनता का राज होगा। हम भारत में 21वीं सदी में लोकतंत्र में जी रहे हैं। सभी भाइयों बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने दोनों हाथों की मुष्टिका बांध देंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इस नवलगढ़ विधानसभा में जितने अधिकारी हैं, इस नवलगढ़ तथा झुंझुनू जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और श्री सीमेंट कंपनी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी जमीनें खिसकनी चाहिए। हमारी एक आवाज के साथ में एक बार दोबारा दोनों हाथों की मुष्टिका बांध के और जोर से जयकारा लगाएंगे, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। यहाँ पर इस संघर्ष समिति के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त महानुभावों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हम एक विशाल जनसमूह की शुरुआत कर रहे हैं। हम अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे ऊपर जो सीमेंट कंपनी है उनके जो अत्याचार है, उनके लिए अपने संघर्ष की मजबूत शुरुआत कर रहे हैं। हम रोजगार के लिए शुरुआत कर रहे हैं। जो सीमेंट कंपनियों ने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी वादे किए हैं सरकार के सामने, और वो सारे के सारे झूठे वादों को आगे करके उन वादों के बिहाफ पे जो भी परमिशन ली है, उन सब परमिशनों को हम उजागर करके और उनके खिलाफ में एक विशाल जनसमूह तैयार करके उन मांगों को अपनी मजबूत करके हम उन मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर किसानों के साथ में बहुत बड़े लेवल पे अत्याचार हुआ है। प्रॉपर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। कंपनियों ने कुछ दलाल छोड़े, वो दलाल अपनी दलाली करने में व्यस्त हैं। जो भी सरकार के सामने कंपनियों के द्वारा झूठे वायदे किए हैं, उन वायदों को हमें पूरा करवाना है। अपने जो मांगे हैं उनको पूर्ण जोर तरीके से हमें रखना है। जो भी स्थितियां हैं उन स्थितियों के से रिलेटेड हम आगे भी सरकार को भी अवगत करवाने का प्रयास कर रहे हैं और सीमेंट कंपनियों को भी उन चीजों से अवगत करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो वायदे किए थे, आप अपने वायदों से अलग हटके जो कार्य कर रहे हैं उसके कारण आपकी परमिशन आज भी रुक सकती है। अगर कोई भी इस चीज के वहम में हो कि हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कर लिया है, इसके बारे में अगर कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जब सिंगूर जैसा टाटा का प्लांट कंडीशन फॉलो करने ना करने के कारण पश्चिम बंगाल से हटाया जा सकता है, तो यहाँ ये भी एक कंपनी है। हम भी चाहते हैं कि साहब यहाँ पर अगर कंपनी आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, इन लोगों का, अपने भाई बहनों, सब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। पर अत्याचार करने के बाद हम ये नहीं चाहेंगे, अपनी जो आत्मसम्मान है उसे हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। जो भी कंपनी है, यहाँ श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट के अलावा जो भी आ रही है, उनको कम से कम 80
प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। बिल्कुल कान खोल के सारी कंपनियां सुन लें, जो भी कंपनी से रिलेटेड है, जनप्रतिनिधि है, वो सभी इस बात को सुन लें। इसके बाद जो भी माननीय राजेश भाई साहब ने भी एक निवेदन किया, जैसे यहाँ पर दोनों कुर्सी छोड़ते थे, आजो, एक हाईवे इंटरकनेक्टिंग के लिए जो भी इनका प्रपोजल उठा आगे, वो प्रपोजल मेरे हिसाब से भाई साहब नेशनल हाईवे से रिलेट करके जो स्टेट हाईवे को जो कनेक्ट करने का है, ये बीच का है, जो बीच के बीच में आज भी खड्डे पड़े हैं, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई अभी तक। तो इन सबसे रिलेटेड जो भी मांग है, वो सारी की सारी मांगे हमें उठानी पड़ेंगी। हम ये जो आंदोलन है इसको लंबा लेके जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी हर एक मांग पे सहमति नहीं होती है। इन कंपनियों को अपने हर एक सिस्टम को क्लियर करना पड़ेगा। रोजगार की बात हो, भाई हम ये नहीं कहते कि कोई बारहवीं पास है, ग्रेजुएशन है, उसको आप इंजीनियरिंग की नौकरी पे रखिए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। पर जिस जगह पे जो जिस लायक है उस घर से कम नौकरी उनको देनी पड़ेगी। सेकेंडरी में पर्यावरण स्वीकृति से रिलेटेड हम बात करें, पेड़ पौधे हैं उनको लगाने से रिलेटेड, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी वातावरण तैयार नहीं किया गया, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं तैयार किया गया है जिससे जनरल आदमी उस चीज का फायदा उठा पाए। जैसे ही सीमेंट कंपनियों में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, आसपास के समस्त जिले इससे प्रभावित होंगे और यहाँ की जो लोकेलिटी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। सांस की समस्याएं खड़ी होने लग जाएंगी, धीरे धीरे टीबी में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें। इसलिए सीमेंट कंपनियों को इस चीज की तरफ भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इन चीजों से परेशान होंगे, हमें इन चीजों की दिक्कतें आएंगी। इसके बाद सीएसआर से रिलेटेड कंपनियों का जो भी फंड का प्रपोजल्स है, जो भी हाल फिलहाल ये कोशिश करके जो कागजों में करके जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी समाज प्रशासन से और सीमेंट कंपनियां हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके ये आखिरी वार्निंग है, ये वार्निंग के रूप में मैं बोल रहा हूँ सीमेंट कंपनियों को कि आपने जो भी पॉलिसी सरकार के सामने अपनी रखी है कि हम इन कंडीशंस के ऊपर प्लांट लगा रहे हैं, वो सारी की सारी कंडीशंस आप समयानुसार तय करके, ये लास्ट वार्निंग है, वार्निंग में बोल रहा हूँ, फिर दोबारा मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो भी स्वीकृति है ये लास्ट स्वीकृति है, अगले कुछ दिनों में आपकी स्वीकृति वापिस हट जाएगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप हो सकता है प्रशासन को दबा सकते हैं, सिस्टम को दबा सकते हैं, पर नियम कायदों में एनजीटी भी एक जगह है जो काम करती है, माननीय स्टेट न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन चीजों की देखरेख के लिए सरकार ने और यूएनओ की तरफ से डिसाइड है। तो कृपया करके जो भी है, जो भी मांगे हैं हमारे किसान भाइयों की, वो समस्त मांगे मानी जाए समयानुसार,